गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली रिट पेटिशंस को डिस्पोज ऑफ करते हुए डिसाइड किया है। इस डिसीजन के अंदर 1346 रिट पेटिशंस का फेट एट वन गो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इंटरेस्टिंगली और हैप्पीली ये डिसीजन जो है वो एसएससी के फेवर में रहा। फ्रेंड्स, केस को डिस्कस करने से पहले भी हम लोग इसकी इंटीग्रिटी राजस्थान हाई कोर्ट के केस में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस में देख चुके हैं, तो एज फार एज द डिसीजन इज कंसर्न इसके अंदर कोई ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है कि जितने भी सेक्शन 148 के नोटिसेस डिपार्टमेंट ने पुराने प्रोसीजर के अंदर इशू किए थे 31 मार्च 2021 के बाद वो सारे डिपार्टमेंट ने क्वेश कर दिए हैं। लेकिन अब यह आता है कि अब डिपार्टमेंट के पास क्या रेमेडी बचा हुआ है जिन सालों के एसएससी को सेक्शन 148 के नोटिसेज इशू किए गए थे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि असेसमेंट ईयर 14-15 का अब डिपार्टमेंट नोटिस इशू नहीं कर सकता सेक्शन 148 के अंदर। वो केसेस जो है वो डिपार्टमेंट के लिए सारे खराब हो गए हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। असेसमेंट ईयर 2015-16, 16-17 और 17-18 यदि इन तीन सालों में एसएससी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख वाला जो क्राइटेरिया है यदि उसके अंदर आता है तो डिपार्टमेंट जो है वो 148 का नोटिस इशू कर सकता है नए प्रोसीजर के हिसाब से। कहने का मतलब यह है कि क्योंकि अब नए प्रोविजन के अंदर डिपार्टमेंट के पास 6 साल है, 3 साल चाहे कोई भी इनकम हो, इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, और उसके पीछे 3 साल यदि 50 लाख वाला क्राइटेरिया है, तो यदि असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17 और 17-18 के अंदर एसएससी की इनकम एस्केपिंग का क्राइटेरिया 50 लाख वाला फुलफिल होता है तो डिपार्टमेंट इशू कर सकता है। लेकिन जहां तक कि असेसमेंट ईयर 14-15 का सवाल था वो अब नोटिसेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उसमें डिपार्टमेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दूसरी बात यह है कि एक मूट क्वेश्चन यह है कि जो लोग रिट में नहीं गए थे उनकी असेसमेंट का क्या होगा। अब या तो वो लोग भी सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिट में जाएं और उनको जाते रिलीफ मिल जाएगा, यदि दिल्ली का मैटर है, राजस्थान का मैटर है और इलाहाबाद का मैटर है, उत्तर प्रदेश का मैटर है। लेकिन यदि हम असेसिंग ऑफिसर को अब ये लिख के देंगे कि साहब हाईकोर्ट ने, ज्यूरिसडिक्शनल हाईकोर्ट ने हमको रिलीफ दे दिया है, तो एसएससी जो है जनरली जब ये लिख के देता है तो बहुत कम चांसेस है कि असेसिंग ऑफिसर हमारी असेसमेंट को ड्रॉप कर दे। डिपार्टमेंट ये प्ली देगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, तो या तो उन एसएससी के लिए ये ऑप्शन है कि वो रिट में जाए, रिट में नहीं जाता तो हम लोग असेसिंग ऑफिसर की मर्जी पर हैं, क्योंकि जनरली हमारे देश के अंदर जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने में बड़ी उनको रिलेक्टेंस होती है। तो एसएससी के लिए एक बड़ी डालमी वाली सिचुएशन है कि वो इस परिस्थिति में क्या करे। तो या तो वो भी रिट में जाए, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, उसका टाइम बढ़ता है, और यदि वो सिंपल हम ये लिख के देते हैं कि हमारी ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, हमारा नोटिस ड्रॉप किया जाए, तो इसके मुझे थोड़े से कम चांसेस लगते हैं। बहरहाल ये चीज़ देखने आगे वाला टाइम हमको बताएगा कि डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो इन सारे जो दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं उनके बेसिस पर किस तरीके से आगे अब प्रोसीड करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया ये 106 पेज का डिसीजन है। इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने, डिपार्टमेंट ने जितनी भी दलीलें दी थी उनका एक एक करके बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया। डिपार्टमेंट ने भी बहुत अच्छी फाइट करी, बहुत अच्छे लॉजिक दिए जहाँ तक हो सकता था, और उन लॉजिक से हमको एक रीजनिंग कैसे सेकंड पार्टी कर सकती है वो भी एक बहुत सीखने को मिलता है। तो मैं अपने बाकी के वीडियो में जो डिपार्टमेंट की रीजनिंग है और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उसको नहीं माना उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिपार्टमेंट की सबसे पहली जो रीजनिंग थी वो डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जो रिलैक्सेशन एक्ट 2020 आया है वो एक कंडीशनल लेजिस्लेशन है
और वो एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, क्योंकि इस रिट के अंदर जो मेन कोर्ट की अप्रिहेंशन थी वो ये थी कि डिपार्टमेंट ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा मेन एक्ट को ओवररूल करने की कोशिश की है। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, ये कंडीशनल लेजिस्लेशन है, कि बहुत एक्सेप्शनल केसेस में कंडीशंस में ऐसा होता है कि इस तरीके का कंफ्लिक्ट आता है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये कंडीशनल लेजिस्लेशन नहीं है और आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा ही, नोटिफिकेशन के द्वारा ही जो मेन एक्ट था उसको ओवररूल करने की कोशिश की है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को नहीं माना। सेकंड जो डिपार्टमेंट ने दलील दी, डिपार्टमेंट ने बहुत सारे जो बाहर के देशों के डिसीजंस हैं उनका हवाला दिया। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट रिलाइड एंड कोटेड फील्ड एंड क्लार्क केस, ये केस जो है वो 1892 का है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे देश में जो डिपार्टमेंट है वो हम ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट्स का या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ही नहीं मानते। तो जब डिपार्टमेंट ने फॉरेन कंट्रीज के टैक्सेशन का डिसीजंस का हवाला दिया तो दिल्ली हाईकोर्ट उनसे भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई। एक डिपार्टमेंट ने जो आर्गूमेंट दिया वो ये दिया कि दैट डिपार्टमेंट आर्गूड दैट पावर टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 एज इट एग्जिस्टेड प्रायर टू द कमिंग इन टू द फोर्स ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2021 वॉज अवेलेबल टू द रेवेन्यू बाई वे ऑफ द फिक्शन। डिपार्टमेंट ये कहना चाहता था कि फिक्शन का बेनिफिट डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि ये मर्जिंग प्रोविजंस थे। जैसे जब हम पुल के नीचे उतरते हैं तो ट्रैफिक मर्ज हो रहा होता है, तो डिपार्टमेंट का ये कहना था कि इन केसेस में डिपार्टमेंट को फिक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए, जिससे भी हमारी जो दिल्ली हाईकोर्ट थी वो इम्प्रेस नहीं हुई। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का हवाला दिया दिल्ली हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि दो कानून आपस में क्लैश करते हैं, तो जो हमारी कोर्ट्स को इस तरीके से इंटरप्रीट करना चाहिए कि दोनों कानून जो है वो रह जाएं, ऐसा ना हो कि एक कानून को हम निरस्त घोषित कर दें। लेकिन इस बात से भी जो दिल्ली हाई कोर्ट थी वो कन्विंस नहीं हुई और उन्होंने कहा कि ये एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर कोई मेल नहीं बैठता, और उस दलील को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की दलील को नहीं माना। एक डिपार्टमेंट ने ये आर्गू दिया कि जो रिलैक्सेशन एक्ट 2020 है वो फाइनेंस एक्ट 2021 को ओवररूल करता है, और उन्होंने कहा कि जो रिलैक्सेशन एक्ट 2021 आया था, रिलैक्सेशन एक्ट 2020 था वो एक स्पेशल एक्ट है और जो फाइनेंस एक्ट है वो जनरल एक्ट है, तो इसलिए जो रिलैक्सेशन एक्ट 2021 है वो फाइनेंस एक्ट 2021 को ओवररूल करता है, क्योंकि रिलैक्सेशन एक्ट 2021 जो है वो एक स्पेशल एक्ट है। और डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि जो रिलैक्सेशन एक्ट है वो एक तरीके की उसके अंदर नॉन ऑब्स्टेंटेटिव क्लॉज है, तो इस मुद्दे पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो फाइनेंस एक्ट है वो मेन एक्ट है, आप इसी ये नॉन ऑब्स्टेंटेटिव क्लॉज का मुद्दा नहीं है, और इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि जो रिलैक्सेशन एक्ट है 2021 वो एक स्पेशल एक्ट है, तो इस बात को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं माना। एक डिपार्टमेंट ने ये दलील दी कि 31 मार्च 2021 से पहले जिन असेसीज को नोटिस पुराने कानून के तहत दिया जा चुका है तो उन असेसीज को तो असेसमेंट करानी पड़ेगी, और जिन असेसीज को नोटिस नहीं दिया गया नए कानून के तहत, नए प्रोसीजर के तहत, तो वो असेसीज जो है वो असेसमेंट कराने से रह जाएंगे, तो एक तरीके का जो अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो इस बात पे भी कोर्ट इंप्रेस नहीं हुआ और कोर्ट ने कहा कि ये डिपार्टमेंट की कमी रही है कि उन्होंने उनको नए प्रोसीजर से नोटिस इशू नहीं किया, तो इस बात से भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई डिपार्टमेंट की बात बहुत ज़्यादा नहीं सुनी। फ्रेंड्स, इस केस में जो मेन अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंट ने भी अच्छी फाइट करी और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मैराथन हियरिंग करते हुए बहुत अच्छा डिसीजन दिया, और हर पॉइंट पे जो भी डिपार्टमेंट ने रेस किया था उस पॉइंट पे दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। बहुत ही वर्थ रीडिंग जजमेंट है, हर एक प्रोफेशनल को पढ़ना चाहिए। इसके अंदर जिस तरीके की रीजनिंग दिल्ली हाई कोर्ट ने दी उससे ये पता चलता है कि हमारे जजेस जो हैं वो कितना इंटेलिजेंट हैं और कितना उनकी एक विजडम है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर 1346 केसेस का एकदम निवारण हो गया, और इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो
असेसिस को मिला है और एक डिपार्टमेंट को भी एक लेसन गया है कि आप जो मर्जी जैसे मर्जी तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। इस वीडियो के एंड में एक बार फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो असेसमेंट ईयर 14-15 के नोटिसेज हैं अब वो असेसी को किसी भी हालत में नहीं आ सकते। असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17 और 17-18 के जो नोटिसेज हैं वो 50 लाख वाले क्राइटेरिया के अंदर यदि असेसी आएगा जहाँ पे उसके पास वो जो उसकी एस्केप्ड इनकम है वो रिप्रेजेंटेड बाय असेट्स होगी तो डिपार्टमेंट जो है वो इसको अभी भी इशू कर सकता है नए प्रोसीजर के हिसाब से। फ्रेंड्स, एट द डेलिब्रेशन ऑफ दिस वीडियो आई अपील टू यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू फील दैट माई वीडियोज आर वर्थ हियरिंग फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।